नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं इंडियन बाइक। दोस्तों वीडियो के आखिर में डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ना, वहां पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम पूरा वीडियो। TVS Ntorq 125 Super Squad Edition। तो दोस्तों इस बार TVS ने Ntorq में आपको दो और नए कलर ऑप्शन दे रहा है। ये है वो एक नया कलर लाइटनिंग ग्रे, हालांकि पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था अमेजिंग रेड कलर के ऊपर या फिर स्पाइडरमैन एडिशन के ऊपर। तो हम इसे क्यों थॉर एडिशन कहेंगे? हाँ बिल्कुल, लाइटनिंग ग्रे के साथ आप इसे थॉर एडिशन भी कह सकते हो। यहाँ पर देखिए सुपर स्क्वाड एडिशन लिखा हुआ आपको मिलता है, नीचे 62 यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलता है स्टिकर में। यहाँ पर आपको एवेंजर लिखा हुआ मिलता है और नीचे है वो हथौड़ा, मतलब कि थॉर का वो मजबूत हथौड़ा जो सब कुछ तोड़ के रख देता है। साथ ही थंडर भी आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ओवरऑल स्कूटर में अगर आप देखते हो बस कॉस्मेटिक चेंज है। पहले जैसा आपको यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्शन मिल जाता है और वही सेम फीचर से, तो यहाँ पर आपको एवेंजर लिखा हुआ मिलता है दोस्तों इस लाइटनिंग ग्रे में। लेकिन जो स्पाइडरमैन एडिशन है यहाँ पर आपको वो एक सर का स्टिकर मिल जाएगा स्पाइडरमैन का। तो बस दोस्तों यही कुछ नया स्टिकर ऑप्शन है दोनों एडिशन में, मतलब कि लाइटनिंग ग्रे और अमेजिंग रेड में, बस यही एक बदलाव है। साथ ही दोस्तों स्कूटर में कॉस्मेटिक चेंज है, मैंने आपको पहले भी कहा, और इसमें और कुछ नया नहीं है। तो आइए दोस्तों हम फीचर्स के बारे में अब जानते हैं। जैसे कि इस स्कूटर में आपको मिलता है 0 to 69 सेकेंड एक्सलरेशन पिकअप, साथ ही इसमें जो टॉप स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर, और दोस्तों स्कूटर की जो एक शोरूम प्राइस है 89,965। और दोस्तों स्कूटर में फीचर्स में आपको मिलता है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड स्टाइलिंग, सिग्नेचर टी रियर लैम्प, स्पोर्टी स्टबी मफलर, लार्ज व्हील बेस 12 इंच की वो भी डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ, बोल्ड चंकी ट्यूबलेस टायर, सिग्नेचर टी एलईडी डीआरएल, यूनिक 3D Ntorq लोगो, स्पोर्टी स्प्लिट ग्रैब रेल, और नीचे यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों आफ्टर बर्नर स्टाइलिंग रियर वेंट्स। दोस्तों इस स्कूटर में और एक बात है, लो टर्निंग रेडियस आपको स्कूटर में मिलता है, मतलब कि बहुत ही कम जगह पे आराम से स्कूटर घूम जाएगा। साथ ही यहाँ पर अगर देखते हो देखिए 3D में Ntorq लिखा हुआ आपको मिलता है और दोनों ही तरफ आपको सेम स्टिकर मिलता है। तो अगर मैं सच कहूँ तो इसमें और कुछ नया नहीं है, बस एक नया एडिशन है। TVS का कहना है Ntorq में आपको और एक नया एडिशन मिलता है थॉर एडिशन। आप अगर यहाँ पर देखो तो देखिए यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा सुपर स्क्वाड एडिशन, वो भी थॉर का हथौड़े के साथ। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो स्कूटर के साथ जरूर जा सकते हो और ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पाइडरमैन एडिशन और ये एडिशन दोनों ही कलर। बरहमपुर TVS दोस्तों शोरूम का नाम है, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा और आप उस नंबर पे जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए स्कूटर या फिर बाइक खरीदने के लिए। दोस्तों आपको स्कूटर में हैजर्ड लाइट मिलता है, मतलब कि चारों के चारों साइड इंडिकेटर एक साथ जलता है और बुझता है, लेकिन इसमें अभी भी बल्ब है, इसमें कोई LED अपडेट नहीं है। हालांकि फ्रंट साइड में ये जो हेडलाइट है यहाँ पर आपको सिग्नेचर टी LED DRL देखने को मिलता है, वो भी 12 वोल्ट 4AH मेंटेन स्पीड बैटरी के साथ 35x35 वाट HS1 LED हेडलाइट बल्ब के साथ। रियर साइड में भी आपको वही सिग्नेचर टी LED लाइट देखने को मिलता है दोस्तों, ये भी DRL है, लेकिन और कोई नया अपडेट इसमें नहीं है लाइट सेक्शन में। और यहाँ पर आपको मिलता है एक नंबर प्लेट लाइट। तो दोस्तों बस लाइट सेक्शन में आपको वही सेम पुराना लाइट सेटअप ही मिलता है इसमें भी। स्कूटर की फ्रंट साइड सस्पेंशन में आपको यहाँ पर मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विथ हाइड्रोलिक डंपर्स, साथ ही यहाँ पर आपको मिलते हैं 220mm की रोटो पेटल डिस्क, वो भी सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के साथ, इसमें आपको ABS नहीं मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है डायमंड कट फुल्ली ब्लैक अलॉय व्हील, वो भी बोल्ट चंकी टायर के साथ। साथ ही दोस्तों इसमें अगर आप उस तरफ देखते हो तो यहाँ पर आपको रेक पिन स्ट्रिप देखने को मिल जाएगा TVS Ntorq लिखा हुआ, और टायर सेक्शन में आपको मिलता है 100x80 12 इंच की ट्यूबलेस टायर। स्कूटर की रियर साइड सस्पेंशन में आपको यहाँ पर मिलता है रेड कलर में कॉइल स्प्रिंग विथ हाइड्रोलिक डंपर्स, लेकिन यहाँ पर कोई एडजस्टेबल नहीं है, देखिए एडजस्ट ऑप्शन ही नहीं है, तो एक बहुत ही खराब बात है। इसमें जरूरी था एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन जो इसमें मिसिंग है। स्कूटर की रियर साइड में आपको यहाँ पर मिलता है 130mm की डाम ब्रेक और डायमंड कट फुल्ली ब्लैक अलॉय व्हील, और उसके ऊपर पिन स्ट्रिप Ntorq लिखा हुआ, वो भी रेड कलर में दोस्तों। और अगर आप इस तरफ देखते हो तो देखिए यहाँ पर अगर एक क्रोम कैप होता तो देखने में और भी अच्छा लगता दोस्तों, फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया हो जाता इस स्कूटर की रियर साइड में। टायर सेक्शन में यहाँ पर आपको मिलता है 110x80 12 इंच की ट्यूबलेस टायर।
दोस्तों स्कूटर तो फाइबर मेड है लेकिन साइलेंसर फुल मेटल है। यहाँ पर CVTI रेब लिखा गया है क्योंकि इसमें यही इंजन का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। साथ ही नीचे आपको क्रोम यहाँ पर माफलर देखने को मिलता है। इंजन सेक्शन में आपको यहाँ पर मिलता है सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SI एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड 3-वाल्व CVTI रेब इंजन। इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है 124.8 cc, मैक्सिमम पावर 6.9 kW एट द रेट 7000 RPM, मैक्सिमम टॉर्क 10.5 Nm एट द रेट 5500 RPM। दोस्तों स्कूटर में आपको किक के साथ सेल्फ स्टार्ट सिस्टम भी मिलता है, तो एक प्लस पॉइंट है स्कूटर में। स्कूटर की लेफ्ट साइड हैंडल बार इंट में आपको यहाँ पर मेटल मिलता है दोस्तों, वो भी ग्रे कलर फिनिश के साथ। देखिए कितना बढ़िया फिनिशिंग है। ग्रिप भी दोस्तों बिल्कुल ठीक ठाक है। इसमें जो रियर ब्रेक है दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट ब्रेक आपको मिलता है, वो भी पार्किंग लॉक के साथ। तो इसमें पार्किंग लॉक आपको मिलता है। स्विच सेक्शन में आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों हाई बीम लो बीम, देखिए वो भी इंटीग्रेटेड पास बाय के साथ। नीचे साइड इंडिकेटर स्विच और एकदम नीचे आपको हॉर्न स्विच देखने को मिलता है दोस्तों। तो स्विच क्वालिटी भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है। स्कूटर की राइट साइड हैंडल इनबार वेट में भी आपको सेम वही ग्रे कलर में फुल मेटल हैंडल इनबार वेट मिलता है दोस्तों। और साथ ही इसमें जो थॉटल ग्रिप है इसमें क्विक रेस्पॉन्स है। हैंड ऑपरेटेड फ्रंट ब्रेक भी दोस्तों बिल्कुल सॉफ्ट है। और स्विच सेक्शन में यहाँ पर इंजन किल स्विच ऑन स्विच के साथ, नीचे यहाँ पर लाल कलर में आपको हैजर्ड स्विच और एकदम नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट स्विच मिलता है दोस्तों। स्कूटर की स्विच सेक्शन में दोनों ही तरफ आपको कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इससे एक स्पोर्टी लुक मिल जाता है स्कूटर में फ्रंट साइड में। और दोस्तों ये रहा आपके सामने ब्लूटूथ कनेक्टेड फुल डिजिटल मीटर कंसोल। दोस्तों इसमें इको मोड और पावर मोड आपको मिलता है। अगर आप इस ग्रीन लाइट पे स्कूटर चलाओगे तो आपको हमेशा बेहतर माइलेज मिलेगा। और दोस्तों इस डिजिटल स्पीडोमीटर में आपको मिलता है मल्टी मोड डिस्प्ले, वो भी स्ट्रीट स्पोर्ट्स और राइड सेट के साथ। तो ये तीन मोड आप देख पाओगे एक के बाद एक सेटिंग्स में जाके। साथ ही इसमें आपको कॉल अलर्ट SMS अलर्ट भी मिलता है दोस्तों, इंजन टेम्परेचर और साथ ही इसमें बैटरी चेंज डिस्प्ले भी है दोस्तों ऑटो स्निक क्लॉक के साथ। तो एवरी डिटेल आपको इसमें मिलता है दोस्तों, वो भी फुल डिजिटली। तो दोस्तों ये रहा की सेक्शन। यहाँ से ही आप स्टीयरिंग लॉक और इग्निशन ऑन कर पाओगे, तो दोनों ही काम दोस्तों यहाँ से ही होगा। और ये रहा वो चाबी दोस्तों, बहुत ही लंबा चाबी है। और यहाँ पर फ्रंट साइड में और एक ठीक सीट के नीचे आपको दो कैरी हुक मिलता है दोस्तों। 3 kg से ज़्यादा वजन आपको कभी भी इसमें नहीं डालना है, वरना ये टूट सकता है क्योंकि फाइबर मेड है। तो दोस्तों स्कूटर में जो आपको लेग स्पेस मिलता है बहुत ही बढ़िया लेग स्पेस आपको मिलता है। देखिए कितना बढ़िया स्पेस है, लेकिन शायद आप यहाँ पर मिडिल पे सिलेंडर ना कैरी कर पाओ क्योंकि इसमें सिलेंडर के लिए स्पेस थोड़ा कम है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख तो देखिए आपको यहाँ पर मिलता है डॉटेड फ्रूट फ्लोर। साथ ही दोस्तों इस स्कूटर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm की और कार्ब वेट है 118 kg। लेकिन अगर आप चाहो दोस्तों तो इसमें आप एक मैट भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी एक्सेसरीज में आपको वो मिल जाएगा। देखिए कितना बढ़िया लेग स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है, तो आप इसे लेके लॉन्ग राइड आराम से कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों एंटॉक में जो आपको यहाँ पर सीट मिलता है दोस्तों, इसे TVS कह रहा है डबल स्टिच हिस्टेरेसिस सीट। तो दोस्तों इसमें आपको डुअल स्टिच देखने को मिल जाएगा, वो भी एंटॉर्क की लोगो के साथ। डुअल रेड कलर धागे में दोस्तों ये स्टिच हुआ है सीट। इसमें आपको कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर मिलता है और ऊपर की तरफ आपको और एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दोस्तों। सीट बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नरम सीट आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों, वो भी बेहतर फिनिशिंग के साथ। तो अगर आप चाहो तो राइडर और पिलियन दोनों ही मिल के आप आराम से लॉन्ग राइड कर पाओगे बिना कोई परेशानी के, क्योंकि दोस्तों सीट बहुत ही सॉफ्ट है। पीछे की ओर देखिए कितना चौड़ा सीट आपको मिलता है। तो अगर आप चाहो तो कुछ सामान भी आप पीछे की ओर कैरी कर पाओगे। वो जो हुक पीछे की ओर दोस्तों आपको मिलता है ये लोहे का है, फुल मेटल मेड गैबरे दोस्तों। इसके ऊपर आप कुछ सामान भी रख के इसमें बांध पाओगे, तो आराम से आप इसे लेके लॉन्ग राइड कर पाओगे। तो दोस्तों एंटॉक में ये जो कैप है पेट्रोल कैप, इसे खोलने के लिए आपको चाबी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। फिर अगर आप इसे इस तरफ घुमाओगे तो देखिए कैसे ये पेट्रोल कैप ओपन हो जाता है। तो हम लेफ्ट साइड में इसे घुमाएंगे और देखिए ये कैप ओपन हो गया। 5.8 लीटर पेट्रोल कैपेसिटी दोस्तों आपको इसमें मिलता है, वो भी 47 किलोमीटर पर लीटर माइलेज के साथ। और दोस्तों ये पुश लॉक है, जब आप इसे दबाओगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसा है। तो एक्सटर्नल फ्यूल फिल सिस्टम आपको इसमें मिलता है दोस्तों। साथ ही अगर आप इसे राइट साइड पे घुमाते हो तो ये सीट ओपन हो जाता है दोस्तों। अंदर आपको मिलता है 22 लीटर की अंडर सीट स्टोरेज, वो भी बूट लैंप, फुल LED बूट लैंप आपको मिलता है और एक मोबाइल चार्जिंग पोर्ट के साथ। देखिए दोस्तों यहाँ पर सीट के नीचे कितना बढ़िया स्पेस आपको मिलता है, फुल फेस हेलमेट आराम से यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। साथ ही आगे की ओर आपको यहाँ पर मिलते हैं दो हेलमेट हुक्स,
यहाँ पर हेलमेट की जो पट्टी है यहाँ पर इसे लगा के अंदर आपको हेलमेट को डालना है। इससे जब आप इसे राइड करोगे तो हेलमेट में कोई आवाज़ नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर रबर बैंड है, आप अगर चाहो तो इसमें आपके लाइसेंस कैरी कर पाओगे। स्कूटर के साथ ही आपको यहाँ पर मिलते हैं फुल्ली मेटल हैवी बिल्ट एक लेडीज़ फुट ट्रिज। देखिए क्या बढ़िया फिनिशिंग है, बहुत ही मजबूत है हिस्सा। और दोस्तों स्कूटर की फ्रेम के साथ ही जुड़ा है तो बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आपको इसमें मिलता है। साथ ही यहाँ पर पिलोन फुट ट्रिज में आपको मेटल मिलता है दोस्तों, और इसमें भी बहुत ही स्पोर्टी लुक आपको मिलता है। देखिए कैसे छुप जाता है बॉडी में जब आप इसे लॉक कर दोगे। तो दोस्तों इसमें भी एक बहुत ही बढ़िया काम किया है एंटॉक ने। साथ ही यहाँ पर आपको सिंगल स्टैंड के साथ एक पेटेंटेड EZ सेंटर स्टैंड आपको TVS के तरफ से मिलता है। तो दोस्तों सुपर स्क्वाड एडिशन में और एक नया एडिशन आपके लिए, दो नए कलर अमेजिंग रेड और ये एक लाइटनिंग ग्रे। तो दोस्तों आपको ये वेरिएंट भी बहुत ही पसंद आएगा, मतलब कि ये लाइटनिंग ग्रे कलर। तो अगर आप चाहो तो इस ब्लैक एंड ग्रे कलर के स्टिकर के साथ आप ये थॉर एडिशन ले लो, बहुत ही खूबसूरत है। प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 89,965, शायद 100,000 से थोड़ा ज़्यादा हो ऑन रोड स्कूटर की ऑन रोड प्राइस। तो दोस्तों आपके लिए नया ऑप्शन, मैं तो कहूँगा कि हर बार आप एक नया ऑप्शन के साथ जाओ, क्योंकि कुछ नया होता है तो हर कोई इसे घूम घूम के रोड पे देखेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और इस इंडियन बाइक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो हम मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू।